तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ड्रैगन मानिया लेजेंड और डीएमएल के अंदर। आज हम लोग गाइस हैच करने जा रहे हैं तोलोचे ड्रैगन को। तो भाई साहब, तोलोचे ड्रैगन ना कोई भाई एपिक है ना कोई लेजेंडरी, लेकिन भाई साहब एक रेयर ड्रैगन है जिसका स्टैट्स इतना है कि भाई साहब वो एक एपिक को आराम से हरा सकता है। बाकी हम लोग बात कर रहे हैं यार तोलोचे ड्रैगन की। तो तोलोचे ड्रैगन के स्टैट्स के बारे में बात की जाए, उसका अटैक लेवल भाई साहब 67 है, लिटरली 67। सोच पा रहे हो एक एपिक के लिए 67 बहुत ज्यादा होता है, हाई एक्सट्रीम में काउंट होगा ये इसके लिए। क्योंकि देखो यार रेयर, एक रेयर के लिए भाई, एक देखो एपिक के लिए भी उसे हाई माना जाता है, तो भाई साहब एक रेयर के लिए कितना होगा सोच लो। तो भाई साहब इसके एलिमेंट्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसके सामने ये लिखा हुआ है, इसके पास है एनर्जी और प्लांट। इसके एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भाई साहब दो एलिमेंट्स है, इसके पास तीन इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम रेयर ड्रैगन्स के पास दो ही एलिमेंट होते हैं। काफ़ी कम ऐसे रेयर ड्रैगन है जिनके पास तीन एलिमेंट है। चलो भाई साहब उसे तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं, और कौन और एक एलिमेंट होने से कौन सा भाई ये गॉड बन जाता। तो भाई साहब इसके पास दो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कमाल के, लिटरली इसके पास है एनर्जी और प्लांट। तो भाई साहब दोनों ही एलिमेंट एक अटैकर के लिए है, और इसका स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी मेरे पास 46 मिलियन फूड पड़ा हुआ है, मैं इसे 1 मिलियन फीड कर देता हूँ जिससे कि ये 26 के ऊपर हो जाए। चलो भाई मैं इसे कर देता हूँ 28 कर दिया है। चलो 28 आई थिंक काफ़ी होगा, अब से मैं रेयर को 28 करूँगा और एपिक को 30 करूँगा अब से, ये मेरा नया रूल है। और ये देखो भाई लेवल 28 का हो चुका है हमारा तोलोचे ड्रैगन। ये दिखने में भी काफ़ी थोड़ा बहुत फनी लगता है। तो यार आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ये एक नया ड्रैगन है, नया आया है डीएमएल में, मतलब बहुत साल पहले आया होगा पहले, लेकिन अभी ये लेटेस्ट रिसेंट ड्रैगन में चल रहा है जिसे कि जिस जो कि आप लोगों को मिल सकता है। 3 डेज लिमिटेड टाइम ड्रैगन है, तो जिसको भाई 3 दिन के अंदर मिलेगा मिलेगा, वरना और किसी को नहीं मिलेगा। आगे जाके बहुत साल बाद आएगा, 1-2 साल बाद ड्रैगन ऑफ द वीक में। तो चलो यार अभी हमने इसे लेवल अप और ट्रेनिंग भी करवा दिया है जिससे कि अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। और यार अभी हम लोग थोड़ा सा फूड ले लेते हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब एरिना को छोड़ के कुछ अलग किया जाए। अभी मैं थोड़ा सा गोल्ड वॉल्ट से गोल्ड ले लेता हूँ। यार ये गोल्ड वॉल्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है मेरा मतलब, क्योंकि भाई साहब ये सारे आइलैंड्स का गोल्ड एक ही बार में एक ही क्लिक में सारा का सारा कलेक्ट करके हमें दे देता है, और बहुत ज़्यादा काम का है। अगर जिसके पास भी गोल्ड है बहुत सारा, उसने अभी तक गोल्ड वॉल्ट नहीं लगाया तो क्या कर रहे हो यार, गोल्ड वॉल्ट लगा लो, बहुत काम का चीज़ है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे ज़्यादातर बड़े मतलब जैसे कि गोल्ड वॉल्ट 80 लेवल के प्लेयर ऊपर के प्लेयर्स के पास सभी के पास होता है, वैसे उसके नीचे वालों के पास भी अगर गोल्ड बहुत सारा हो जाए तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे गोल्ड वॉल्ट खरीद लेना चाहिए। और भाई साहब फूड ट्री आप अगर जेम्स से खरीद सकते हो बहुत अच्छी बात है। तो चलो यार अभी हम लोग एरिना को हटाकर भाई साहब डुनगियन खेलने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यार रिक्वेस्ट करते हैं मुझे कि यार अपना डुनगियन गेम प्ले दिखाओ, तो चलो यार अभी हम लोग डुनगियन गेम प्ले करते हैं। सबसे पहले मेरा जो 3 स्टार 3 ट्रिपल पिंक स्टार कोलियाडा, वो भी 80 लेवल का भाई साहब, वो सबसे पहले मैं लेता हूँ, वरना जीतना मारना सामने वाले को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आगे जाके, बहुत आगे जाके। भाई साहब देख रहे हो डुनगियन पॉइंट कितने हो गए, और यहाँ पे ये देखो भाई साहब मेटल का डैमेज 100 बिलियन का जा रहा है, लिटरली 100 बिलियन 100 बिलियन का डैमेज देने लग गया भाई मेरा कोलियाडा। और यहाँ पे लैमुलिन का वो एनर्जी मारेंगे भाई साहब, मेरे लैमुलिन ने तो भाई हद पार कर दी, 115 बिलियन का डैमेज दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना लिटरली गाइज वो मेरे कोलियाडा के लिए हो रहा है। और जितना मेरे पास अभी फूड है मैं आगे जाके उसे लैमुलिन को फीड करने जा रहा हूँ, जिससे कि भाई साहब वो भी कोलियाडा के लेवल पे आ जाएगा। तो भाई साहब उसके बाद क्या तबाही मचने वाली है सोच लेना, उसके बाद मैं हार्पी को करूँगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम बन चुकी है मेरी, पहले से ही थी तो लेकिन मैंने बनाना को हटा दिया था क्योंकि भाई साहब उसके पास ऐसा एलिमेंट नहीं था कि जो तीनों को मारे, और वैसे भी लैमुलिन बनाना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो एक एंशिएंट था, तो भाई मैंने उसकी जगह ले लिया उसे। और एक सपोर्टर भी लेना था तो भाई साहब कोरल ड्रैगन की जगह मैंने ले लिया कोलियाडा। ये देखो भाई साहब 900 पॉइंट्स के भी ऊपर हो चुके हैं, यहाँ पे इसे मारेंगे। अरे भाई साहब ये तो रेंजर ड्रैगन है, रेंजर ड्रैगन मेरा 40 लेवल का है। स्टार डस्ट ये सब ना एक एक शॉट में मरने वाला है क्योंकि भाई साहब ये बहुत कम लेवल के। अब देखना भाई साहब तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा बढ़िया खेलता है डुनगियन में, मतलब बढ़िया खेलता है वो नहीं बोल रहा, देखते रहना तुम्हारा भाई कैसे खेलता है कैसे परफॉर्म कर रहा है।
इससे आप लोग थोड़ा सा मतलब जो भी भाई साहब डुनगियन में न्यू है वो थोड़ा सा खेलना सीख जाएंगे कि भाई साहब कैसे प्रो तरीके से खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं भाई। तो यार यहाँ पे भाई साहब अभी अभी आपने देखा भाई, मेरे लैमुलिन ने 175 बिलियन का डैमेज दिया। लिटरली मेरे लैमुलिन पर जो मैंने एक्सेप्ट टांस और प्योरिटी लगाया ना, वो इसका मेन रीज़न है। और भाई साहब उसी की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा है। एक और रीज़न है, सेकंड रीज़न भाई साहब सेल्फ डिवाइन। सेल्फ डिवाइन से भाई साहब साइड वाले पर भी इफेक्ट पड़ता है। ओ भाई साहब इसने मेरे लैमुलिन को एक शॉट में कैसे मारा यार, एक सेकंड। यहाँ पे मुझे आई थिंक मेटल करना पड़ेगा। सामने आप देखो भाई साहब 100 लेवल के ड्रैगन आ चुके हैं, 100 लेवल भी नहीं, उससे भी ऊपर। यहाँ पे मेरा कोलियाडा अकेला बचा हुआ है। ओके बाय बाय बोल दो हमारे कोलियाडा को। अब यहाँ पे डिवाइन कर लेते, वैसे तो मरना ही था भाई। मैं बच गया भाई, नहीं नहीं मैं गया, मैं गया, मुझे पता था। बाय द वे भाई साहब हम लोग बहुत बहुत देर तक टिके। और कैसा लगा आप लोगों को ये डुनगियन गेम प्ले, कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों। अगर आप डुनगियन के प्रो टिप्स एंड मतलब डुनगियन मोड के बटमलेस डुनगियन के प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ यार, मैं जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। जैसे कि कमेंट में जो भी भाई कुछ भी लिखते हैं मैं उनके लिए वीडियो ज़रूर लाता हूँ। तो यार आप भी कमेंट कर सकते हो और सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कौन से वीडियो बनाने चाहिए। और भाई साहब बटनलेस डुनगियन के प्रो टिप्स के लिए भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आगे जाके लाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो यार अभी हम लोग सीधा थोड़ा सा दोस्तों से गिफ्ट ले लेते हैं। गिफ्ट तो मैंने बहुत वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ले लिया था, आई थिंक 30 या फिर 40 जैसे गिफ्ट आए थे, इसलिए अभी मेरे पास और 3 ही गिफ्ट बाकी है। बस 3 ही गिफ्ट आए अभी तक नए। तो चलो यार अभी हम लोग बैटल्स खेलते हैं अपने तोलोचे ड्रैगन के साथ। इसका नाम बड़ा फनी है, इसका नाम क्या लेना चाहिए, क्या रखना चाहिए भाई? इसका नाम हम लोग रखेंगे तोलो। तोलो सही है, तोलो ड्रैगन बोलने में भी इजी होगा। तो चलो यार शुरू करते हैं अपना बैटल। सबसे पहले टीम सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, अच्छे से अच्छे ड्रैगन को हम लोग टीम में लेंगे। तोलोचे ड्रैगन को ले लिया है। अब हमने ले लिया है ये जो मिडिल में कौन सा था, ये एक लेजेंडरी था, डॉटम था एक मंथ का। हमने इसे हैच भी कर दिया, आई थिंक हैचिंग वीडियो भी है इसकी। मैं भूल ही गया इसका नाम क्या था। और हमने ले लिया जोरमुकान ड्रैगन, ये ड्रैगन बड़ा मस्त है यार। तो चलो यार अभी हम लोग इसके बेस्ट एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं, बेस्ट सील कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं, और कौन से मोड के लिए बना है उसके ऊपर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, बाकी वो आपकी चॉइस होगी। तो सबसे पहले इसके बेस्ट एलिमेंट की बात की जाए, इसके पास 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। एक है इसके पास एनर्जी, एक है इसके पास प्लांट, ठीक है। तो प्लांट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फ़र्क ये है कि प्लांट सिंगल ड्रैगन को डैमेज देता है, और भाई साहब एनर्जी ट्रिपल मतलब एरिया डैमेज भी देता है। सामने वाले अगर प्लांट मारोगे तो एक ड्रैगन को ही डैमेज जाएगा, अगर एनर्जी मारोगे उसके साइड वाले ड्रैगन यानी कि तीनों के तीनों ड्रैगन को डैमेज जाएगा। लेकिन डैमेज के मामले में अगर बात की जाए तो भाई साहब सिंगल ड्रैगन को जो डैमेज देता है वो भाई साहब प्लांट में आएगा, क्योंकि वो जो पॉइजन करता है पॉइजन से बचना नामुमकिन है यार। और भाई साहब वहीं पर ही भाई साहब एनर्जी का एक और भाई साहब इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट, कि वो सामने वाले को स्टन भी कर देता है। चलो भाई स्टन छोड़ो, मैं स्टन को हटा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो तो यार एरिया डैमेज देता है, तो एरिया डैमेज देता है तो मेरे ओपिनियन से ये इसका बेस्ट एलिमेंट होगा, मेरे ओपिनियन से। बाकी वो आप पर डिपेंड करता है, आपको कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पसंद है, सिंगल हिटिंग एलिमेंट या फिर एरिया डैमेज वाला एलिमेंट ज़्यादा पसंद है, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरे ओपिनियन से इसका बेस्ट एलिमेंट होगा एनर्जी, क्योंकि वो एरिया डैमेज देता है और ज़्यादा बेनिफिट भी उससे ही होगा अगर सामने वाले को मारोगे तो। देखो यार तीनों ड्रैगन को अगर डैमेज देगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप लोग दोनों को यूज़ कर सकते हो, बाकी मेरा पर्सनल फेवरेट मैंने आपसे शेयर किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी यार दोनों को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि पहले किसी को प्लांट मार दो पॉइजन कर दो, फिर एनर्जी मार के तीनों को ख़त्म कर दो, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन की तरह यूज़ करना है। बाकी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसे अगर टीम में अगर आप इसे टीम में लेना चाहते हो तो भाई साहब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसका बेस्ट सिंगल कॉम्बिनेशन कौन सा जिससे कि अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से सामने वाले को मार पाएगा, क्योंकि एक रेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका अटैक लेवल 67 है, हेल्थ लेवल को हटा दो एक अटैकर में काउंट होगा। तो यार ऑब्वियसली इसका बेस्ट एलिमेंट होने जा रहा है, आप लोग इसे प्योरिटी दे सकते हो, क्योंकि प्योरिटी भाई साहब इसका देखो भाई साहब हेल्थ लेवल जो है 200 है, ठीक है। प्योरिटी मैं ऑप्शनल दे रहा हूँ,
प्योरिटी से आप लोग दे सकते हो, डेयर डेविल दे सकते हो, विचक्राफ्ट दे सकते हो और क्रुएल्टी दे सकते हो। मेरे पर्सनल मैंने जो आप लोगों को बोला, देखो भाई मैं और वापस बोल रहा हूँ, आप लोग इसे दे सकते हो प्योरिटी और डेयर डेविल, या फिर आप लोग दे सकते हो क्रुएल्टी और विचक्राफ्ट, आपकी चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे चॉइस से, मेरे ओपिनियन से, पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस है, मुझे करीबन 1.5 साल हो गए हैं ड्रैगन मानिया लेजेंड्स में, और भाई साहब ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है डेयर डेविल, विचक्राफ्ट, क्रुएल्टी, प्योरिटी, ऐसे एलिमेंट्स को, मतलब ऐसे स्किल्स को ही मैंने यूज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पर अगर आप लोग क्रुएल्टी प्लस विचक्राफ्ट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका हेल्थ लेवल उतना भी ज़्यादा नहीं है कि भाई साहब प्योरिटी से उतना ज़्यादा डैमेज बूस्ट दे देगा। और भाई साहब डेयर डेविल भी भाई इस पर काम करने जा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ जाएगा लेकिन बहुत जोर का डैमेज सामने वाले को पड़ेगा। और विचक्राफ्ट से अगर ये एनर्जी मारेगा, एरिया डैमेज इतना जोर का पड़ेगा कि भाई साहब ख़त्म, सामने वाले तीनों के तीनों ड्रैगन ख़त्म। और भाई साहब अगर सामने वाले को प्लांट मारोगे विचक्राफ्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट यानी कि उसके पॉइजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा, जिससे कि भाई साहब एक ही पॉइजन में ही वो सामने वाला ख़त्म हो जाएगा। तो भाई साहब और क्रुएल्टी क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट मारो, कोई भी हमला मारो, उसका जो क्रिटिकल रेट है वो बढ़ा देगा, जिसमें कि आप एक शॉट से भी एक ड्रैगन को मार सकते हो। तो भाई साहब मेरे पर्सनल ओपिनियन से ये वाला स्किल कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको क्या पसंद है वो आप कमेंट करके बताओ। तो यार यहाँ पे ये एरिना के लिए बना है, और एरिना के लिए तो बना ही है, और भाई साहब डुनगियन के लिए भी बना है। तो यार वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।